हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अपनी आयरन की एक्सपोर्ट्स शुरू करने वाला है, मतलब अपना जो लोहा है उसको एक्सपोर्ट करने वाला है। पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली $800 बिलियन, $800 बिलियन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अपने लोहे को एक्सपोर्ट करके कमा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के सामने $1-1 अरब के लिए हाथ फैला के फिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान का जो केपीके रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा और चीजें पाई जाती हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसी तरह अगस्टीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर से आयरन ओर, जो कि इस वक्त खाम लोहा है, जो कि इस वक्त रॉ लोहा है, उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर, इसी वजह से अगस्टीन ने पाकिस्तान के अंदर एक भट्टी लगाई है आयरन ओर को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि रॉ जो लोहा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक 50 क्यूबिक मीटर की एक फर्नेस लगाई है, एक भट्टी लगाई है, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। ये जो ब्लास्ट फर्नेस है, पाकिस्तान के अंदर रॉ लोहा होगी उसको प्रोसेस करेगी, क्योंकि रॉ लोहे को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये तीसरी भट्टी लगाई जा रही है। वैसे पाकिस्तान की स्टील मिल जो कि बंद पड़ी है, वहां पर भी एक ब्लास्ट फर्नेस है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। इसी वजह से आगा स्टील मिल ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ब्लास्ट फर्नेस लगा रही है, जिससे वो रॉ लोहे को एक्सपोर्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मेजर चेंजिंग आने वाली है। इसी तरह इससे पहले जो फर्नेस होती है वो आर्क फर्नेस होती है, आर्क फर्नेस जो कि स्क्रैप लोहे को प्रोसेस करती है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो माहौल के लिए भी बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन जब पाकिस्तान रॉ लोहे जो कि आयरन ओर है उसको प्रोसेस करेगा, तो पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो आयरन के रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा है। एक 2018 को रिपोर्ट आई थी चिनोट के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 165 मिलियन टन के आयरन के रिजर्व पाए जाते हैं। आयरन ओर जिसको हम खाम लोहा कहते हैं, रॉ लोहा कहते हैं, वो पाया जाता है। उसकी जो कॉस्ट है वो $4 बिलियन थी उस वक्त, लेकिन आज इस वक्त जो डॉलर की कदर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये अप्रोक्सीमेटली डबल से ट्रिपल हो चुकी होगी, $15 बिलियन इसकी कास्ट हो चुकी होगी, क्योंकि जो पैसे की कदर है वो कम हो रही है और जो डॉलर की कदर है वो बढ़ रही है। तो पाकिस्तान इस रॉ लोहे को जो कि आयरन ओर है, खाम लोहे को प्रोसेस करने के बाद, इससे जो रॉड बनाने के बाद, सरिया जो कि बनता है उसको बनाने के बाद बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। कैसे कमा सकता है आपको बताते हैं। पहले होती है कपास, जो कि अगर हम कपास को एक्सपोर्ट करें तो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। अगर उसका हम धागा बनाए तो बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू आएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान उसकी गठ बना के दे तो वो भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लेके आएगा। अगर उससे रुई बनाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। अगर इसी कपास से हम कपड़े की बजाय, धागे की बजाय कपड़ा बनाना शुरू कर दे, अगर अपना ब्रांड लॉन्च कर दे, तो पाकिस्तान के अंदर उसके वैल्यू ऐड कर दिया, पाकिस्तान ने उस चीज के अंदर वैल्यू एडिशन किया, तो पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आपको पता है एक मन कपास की कीमत एक सूट के बराबर हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान इस लोहे के अंदर वैल्यू एडिशन करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। अगर ये 2 बिलियन टन के रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो $200 बिलियन है पाकिस्तान के अंदर। अगर उसको वैल्यू एडिशन करके उससे जो चीजें बनानी है, जैसे कि पिग आयरन बना के, उससे सरिया बना के, उससे गार्डर बना के, या TR बना के, या और कोई चीज लोहे की बना के उनके अंदर वैल्यू एडिशन की जाए, तो पाकिस्तान के अंदर $800 बिलियन का वही खाम लोहा बन जाएगा। $800 बिलियन हमने वैल्यू एडिशन करने के बाद बनाया। तो पाकिस्तान के अंदर जो आगा मिल है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो वैल्यू एडिशन करके रॉ जो ओर है आयरन का, उसको प्रोसेस करने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सेक्टर है जहां पर जो लोहा इस्तेमाल होता है वो स्टंट पड़ा है, मतलब वहां पर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है। कैसी लगी वीडियो को लाजमी लाइक करेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिला ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।